भाजपा के खजली विधानसभा के प्रत्याशी श्रीराम चौहान ने 90,210 वोट पाकर दूसरी बार जीत हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी श्रीराम चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी रूपावती बेलदार से 37,101 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की, जबकि सपा प्रत्याशी रूपावती बेलदार ने कुल 53,109 वोट पाया, जिसके संबंध में भाजपा के खजनी विधानसभा के विधायक श्रीराम चौहान ने बताया कि खजनी विधानसभा में जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसके साथ खजनी की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपार समर्थन देकर जीत हासिल करवाया। उन्होंने कहा कि खजनी का विकास करना ही मेरा प्राथमिकता होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के खजनी विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक राज्य मंत्री श्री राम चौहान ने कहा, जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ राम चौहान, योगी आदित्यनाथ राम चौहान, योगी आदित्यनाथ श्री राम चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी श्री राम चौहान जिंदाबाद, आदित्यनाथ राम चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ राम चौहान जिंदाबाद। आइए सर, थोड़ा दूर से ले लीजिए हमारा। हाँ हाँ कौन आइए आइए। संजय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आनंद जी, आनंद जी इधर भाई, हम लोग भाई आनंद भाई। अरे भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास किया है। शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा का जो वायुमंडल सुशासन सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है उस पर मुहर लगाई है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश जो दिया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर मुहर लगा करके जनता ने अराजक गतिविधियों में संलिप्त लोगों बाँह मरोड़ने वाले लोगों को एक जबरदस्त तमाचा लगाया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन शांति पसंद है। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यों की मोदी योगी के जो अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, जीवन की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसी को चरितार्थ किया है, इसी पर मुहर लगाई है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उत्तर प्रदेश की जनता की वो कम है। कि जीत का श्रेय किसको जाता है? हमारी नहीं, सभी लोगों की जीत का श्रेय मोदी योगी की जो अनेकानेक उपलब्धियां हैं, जो उनके कृत्य हैं कार्यकलाप हैं उनको जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है और जनता को जाता है। जनता मतदाता सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जनता को के मनोनुकूल काम होगा, जो भी आधे अधूरे काम है पूरे किए जाएंगे। जय जय श्री राम। जनता के लिए क्या करें, इतने ज्यादा वोट से आपको जिताया? निश्चित रूप से खजनी की जनता, वहाँ के मतदाता, वहाँ के कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाई है। किस तरह से विकास किया जाएगा खजनी में? बड़ा ही सर्वांगीण विकास होगा, वहाँ के लोगों का भी और वहाँ के आम जन का भी, नौजवानों का भी, और ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रही है उसके इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के कल कारखाने उद्योग धंधे खोले, लोगों को रोजगार सृजन हो, इस दिशा में व्यापक प्रयास होगा।